हमारे सोल्जर बाजार की सौगात है। ये यहीं से करवा पराठे का पूरे कराची में कॉन्सेप्ट किया है। खाने में आपको नफासत मिलेगी, आप चाहें इसको जिस वक्त चाहें आप जाके इनका किचन चेकअप करें। रेट भी बहुत अच्छा है, जायका भी अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सी टी वी प्रोग्राम फ्रीडम ऑफ वॉइस के फूड व्लॉगिंग के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं सोल्जर बाजार नंबर एक में और ये ओल्ड सिटी एरिया कहलाता है, कराची के कदीम इलाकों में से एक है। और यहाँ की जो वजह शोहरत है, यहाँ टिपिकल एक मखसूस किस्म के डिशेस बनते हैं और यहाँ जो फूड स्ट्रीट है वो बहुत छोटी है लेकिन इनका जायका बहुत यूनिक है। दावा ये किया जाता है, यहाँ पर एक होटल है, 1937 का कायम शुदा ये होटल है जिसको गोसिया होटल कहते हैं। इनका दावा है कि जो इनका जायका है ये कराची समेत पूरे पाकिस्तान में ये जायका आपको नहीं मिलेगा। तो आइए विज़िट करते हैं, ये दावा कितना दुरुस्त है। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा तकरीबन ये तीसरी पुश्त में मैं बैठा हूँ जो ये काम कर रहे हैं। पहले दादा थे, फिर हमारे वालिद साहब और उसके बाद हम लोग हैं। तो ये पाकिस्तान बनने से पहले भी आपका मेन्यू यही था? जो आपकी जो शोहरत है वो एक तो आपका कबाब रोल है और कीमा रोल है, तो यही आप पाकिस्तान बनने से पहले भी यही मेन्यू था? या पाकिस्तान बनने से पहले जो हमारा मेन्यू था वो हम लोग ग्रीन कीमे के से बहुत मशहूर थे। अच्छा। जी, तो उसके बाद तो कीमे का कॉन्सेप्ट आस्ता आस्ता ख़त्म होता रहा और वो कारीगर भी चले गए, मर गए बेचारे। उसके बाद ये हम लोगों ने शुरू किया है, तो इससे हम लोगों को अल्लाह का शुक्र है बहुत फेम हासिल हुई है। अच्छा, मैंने क्योंकि यहाँ टेस्ट किया है इससे पहले, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी पुरानी दुकान है आपकी। जो आम कीमा घरों में बनता है या आम होटलों में हम कीमा खाते हैं और जो आप रोल आपके पराठे के साथ जो हम कीमा यहाँ मिलता है, ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ नौयत का, ये और कहीं नहीं मिलता ये कीमा। ये सिर्फ इसी पट्टी में मिलेगा या आपने शायद ये इंट्रोड्यूस करवाया हो? जी, ये सिर्फ ये हमारे सोल्जर बाज़ार की सौगात है। ये यहीं से करवा पराठे का पूरे कराची में कॉन्सेप्ट किया है। इसके अलावा उससे यहाँ से पहले कोई नहीं था करवा पराठे वाला, सोल्जर बाज़ार से ही गया है। और ये मुनफरिद इसलिए क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें हैं, आइटम मसालों में वो कॉस्टली है, वो इसमें डलते हैं जो इसको जायके में चार चांद लगाते हैं। जी, दोनों टेस्ट भी करते हैं इंशाल्लाह, आपको बताते हैं। और यहाँ कस्टमर भी हैं तो हम उनसे भी ज़्यादा देर बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब आप? अली रज़ा। अली रज़ा साहब, आते हैं अक्सर यहाँ पे आप? या, रेगुलर। रेगुलर। इनका टेस्ट बहुत यूनिक है कहते हैं, वाकई इसमें सदाकत है? इसमें 100% सदाकत है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो मतलब इसमें कोई अभाम हो। ये बहुत ही बेहतरीन और यहाँ का सोल्जर बाज़ार का बेहतरीन मतलब जायका। सबसे बड़ी चीज़ आपको मिलेगी नफासत, खाने में आपको नफासत मिलेगी। आप चाहें इसको जिस वक्त चाहें आप जाके इनका किचन चेकअप करें, कहीं से भी आए। फूड इंस्पेक्टर्स यहाँ रेगुलरली विजिट करते हैं, वो कहते हैं वेल डन, यानी बाकायदा तौर पे। आप देखेंगे इनके सारे उनके ऊपर ये भी लगे हुए टोपी वगैरह, इनके यहाँ नफासत की इन्होंने बड़ी ख़त्म है बिल्कुल। यानी आप कोई चीज़ जायका, आप अगर कोई इनका सालन खा लें आपको ऐसा लगेगा जैसे आप घर के, आज कभी आप बनते हुए देख लेंगे तो आप ऐसे आप खुद कहेंगे कि इतनी नफासत तो हमारे घर में भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से इनका कीमा बड़ा बहुत शोहरत रखता है अभी, और रोल भी इनके बहुत अच्छे हैं। मैं रंगचोलन से आता हूँ लेने के लिए। जी, बहुत अच्छी चीज़ होती है भाई, खाएं आप खाना खाएं। तो वाकई ये मुख्तलिफ है, जैसे बाहर अक्सर हम देखते हैं होटलों में जो कीमा मिलता है और यहाँ का कीमा सुना है कि बिल्कुल मुख्तलिफ। नहीं, मुख्तलिफ है, बहुत अच्छी चीज़ है और साफ सुथरे बनाते हैं। बैठ सुथरा बनाते हैं, आते हैं आप अक्सर खाना? अक्सर खाना खाना आते हैं, रोड लेके जाता हूँ मैं रोज़ाना यहाँ से, और रंचोलेंस से आता हूँ मैं। रंचोलेंस से आते हैं? नहीं, तुमने इंटरव्यू दोगे, तुम सारी तवज्जो तुम्हारी खाने के ऊपर है। क्या नाम है आप? मौजम। पढ़ते हो? जी। चलो, अच्छी बात।
और खाना भी रच के खाते हो, तुम्हारी सेहत बता रही है ठीक ठाक खाते हो। ये जी ये है असल यहाँ की सोल्जर बाजार की खास सौगात, और जिस दुकान का आज हम रिव्यू पेश कर रहे हैं ये 1937 की कायम शुदा दुकान है, यानी कि होटल अपग्रेड हुआ है, जिद्दत आई है इसमें। पहले तो टिपिकल देसी स्टाइल में ये सब होता था और लेकिन इसमें अब जिद्दत आई है। आप देख सकते हैं कि इसकी महक आहा। वैसे आज दोपहर में हमने ज़बरदस्त लंच किया है लेकिन जब इसकी महक पहुँच रही है तो भूख का एहसास डबल हो रहा है। तो यहाँ कबाब फ्राई हो रहे हैं और इसको अमूमन शामी कबाब कहते हैं, तो ये शामी कबाब आप लोग भी कहते हैं? हाँ, शामी कबाब कहते हैं। और ये जो कीमा है ये बिल्कुल मुख्तलिफ़ कीमा आप देखिए दिखा सकते हैं, और साथ में एक चटनी है जो कि इस रोल के जायके को बड़ा दोबारा कर देती है। तो ये चटनी कैसे बनती है जनाब? ये खटाई से बनती है। खटाई से होती है, आम की खटाई होती है और मसाले वगैरह उसके साथ। ये रोल बनते हुए देखिए, ये है रोल जनाब, ये सोल्जर बाजार का रोल, स्पेशल रोल। इसमें डला जनाब शामी कबाब और उसके ऊपर सलाद का छिटका हुआ, और अब ये रोल होगा। ये है ये रोल, जब आप इसकी बाइट लेंगे आतंग। ये कीमा पराठा रोल है, ये देखिए। नहीं, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आप लोगों के मुंह में भी आता है या आप लोग आदी हो गए? हम आदी हो गए। आदी हो गए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सही आपका? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ साहब, बड़ी रौनक लगी रहती है इस शॉप पे। जी 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 बिल्कुल, इनका खाना माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। खाना अच्छा है तो क्या अफोर्डेबल भी है, मुनासिब रेट भी है? जी 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 बिल्कुल। या जायके के हिसाब से पैसे ले रहे हैं? नहीं जी नहीं, जायका तो इनका आतंग है। रेट भी बहुत अच्छा है, जायका भी अच्छा है। जायका भी अच्छा है, खासकर इनके कीमा बहुत अच्छा है, शामी कबाब। जी 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 दोनों बहुत अच्छे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब आप? मेरा नाम मोहम्मद फयाज। मोहम्मद फयाज साहब हमारे साथ टेबल शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, और बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे थे बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ द कैमरा। फयाज साहब हंटिंग के बड़े शौकीन हैं। जी बहुत ज़्यादा। फिशिंग करते हैं? बहुत ज़्यादा, बचपन से फिशिंग करते हुए आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बताया कि आप कच्ची मेहमान हैं? जी बिल्कुल। और कच्ची मेहमान जो है वो झींगा और मछली के तो? झींगा और मछली के तो बहुत ज़्यादा शौकीन ही होते हैं। बिल्कुल, खुद पकड़ते हैं और खुद पकाते हैं? खुद पकड़ते भी हैं, मार्केट से भी खरीदते हैं, और फिर खुद पकाते भी हैं, घर वाले ही पकाते हैं, हम खाते भी हैं। अच्छा एक बात मैं इस पे जायके पे आऊँगा, ये इसकी बड़ी शोहरत है, धूम मची हुई है। बहुत पुरानी शॉप है और गालिबन जो है सबसे पहले मैंने ट्राई किया था 6 साल पहले, तो खैर उस वक्त हमारी रिहाइश कहीं और थी, अभी तो खैर हम बहुत नज़दीक रहते हैं। तो इस वजह से अक्सर यही होता है कि कभी मूड होता है तो मैं यहाँ पे आता हूँ और ये कबाब और पराठा इंजॉय करता हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप क्योंकि फिशिंग करते हैं तो जो फिश हंटिंग करने वाले लोग हैं इनके बारे में कहा जाता है इनके अंदर पैशन बहुत होता है? पैशन भी बहुत होता है, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग भी रहना पड़ता है इसके लिए, और ये पैशन ऐसा पैशन है कि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। वैसे पाकिस्तानी कौम को इस खेल का आदि हो जाना चाहिए, इनके अंदर सब्र का मादा कम है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, अभी जो आजकल जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से फ़िशिंग का जो शौक़ है वो काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव भी हो गया है, और दूसरी चीज़ ये कि मतलब इसके लिए स्ट्रॉन्ग बंदा ही चाहिए, बिकॉज यूजुअली नया बंदा होता है, हम उस फिशिंग के हवाले से उसको अगर हम गाइड करते भी हैं कि आप हमारे साथ फ़िशिंग पे चलो, अगर वो चलता भी तो बेचारा वो सी सिकनेस का मरीज़ हो जाता है, और सी सिकनेस की वजह से उसका फिर वो फर्स्ट और लास्ट प्रोग्राम होता है, उसके बाद कहता है यार अब मैंने फिशिंग नहीं करनी है। बहुत शुक्रिया आपका, हमने आपको आपके जायके और आपके दरमियान हम हायल हो गए हैं, तो बहरहाल आप इंजॉय कीजिए। नहीं इनका जायका बहुत अच्छा है, चाहे इनका कोई भी आइटम उठा लें आप, रोल उठा लें, कोई भी उठा लें, ये 1937 से ये बना हुआ है रेस्टोरेंट, और आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है माशाल्लाह, सब कुछ अच्छा है यहाँ का, आइटम्स वगैरह जो भी आप खा लें हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम तो रोल के साथ खाते हैं इसे बना के, लोग अलहदा भी खाते हैं चपाती और रोटी के साथ, लेकिन हम तो रोल बना के खाते हैं। रोजाना आते हो? जी मैं रोजाना आता हूँ। कैसा जायका देखा? बहुत अच्छा जायका है, मज़ेदार, चटपटा। पसंद क्या ज़्यादा है तुम्हें, कबाब रोल? कबाब रोल। ऐसे रोल ऐसे ऐसा जायका सोल्जर बाजार के अलावा भी कहीं मिल सकता है? नहीं सिर्फ यहीं पर ही है, यहीं पर मिलते हैं। अभी हम ऑर्डर कर रहे हैं इनकी स्पेशल जो आइटम है वो तो कबाब रोल है और कीमा रोल है, तो हम एक एक रोल भी ले लेते हैं
और अलग से भी खाते हैं मेरे ख्याल से पराठा और कीमा सेपरेट भी सेपरेट भी, तो ये दो रोल कर दें और सेपरेट कर दें, तो फिर आप रिव्यू हम बाद में देंगे जायका चेक करके कि वाकई जितनी तारीफ हमने सुनी है 1937 की दुकान है तो क्या जायके ने भी वो बुजुर्गी है कि नहीं है। कीमा ये देखिए जिसका ये कीमा है और ये पुदीना के साथ मिंट के साथ प्याज और इनकी जो स्पेशल है ये है इमली की चटनी, ये है इमली की चटनी। अभी हम एक फर्स्ट बाइट लेंगे उसके बाद आपको बताएंगे कि भाई हम कितने सेटिस्फाई और मार्क्स कितने दिए जा सकते हैं इनको आउट ऑफ 10। तो पहले ये पराठा लिया जी, इजाज़त है बिस्मिल्लाह आप फरूख साहब आई एम सॉरी आप कैमरे के पीछे हैं मैं ज़रा कैमरे के आगे हूँ। तो ये मैं फर्स्ट बाइट ले रहा हूँ व्यूअर्स, ये लिया कीमा और देन ये ज़्यादा हो गया, ये है सलाद चटनी हम बाद में देख लेते हैं, ये फर्स्ट बाइट ये डिफरेंट कीमा है जो हम आम होटलों पे खाते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, इसका टेस्ट भी डिफरेंट है। टेस्ट देखिए कि अमूमन जो हम बाहर खाते हैं तो मिर्चें लगती हैं, इसके अंदर मिर्चियाँ वो महसूस ही नहीं हो रही, और हालांकि है मेरे साथ मिर्चें हैं लेकिन फील नहीं हो रही है, फील नहीं हो रही। और भाई कबाब भी आप खाएंगे तो कबाब का टेस्ट ही बहुत अच्छा है। आप ये रोल ट्राई करेंगे रोल बताएगा फरुख भाई वंस अगेन आई एम सॉरी। ये जनाब ओके दिस वन इज कबाब रोल, ये है कबाब रोल, ये है इमली की चटनी के साथ। वाकई जितनी हमने तारीफें सुनी थी इसकी बिल्कुल वैसा ही पाया और टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ, मैंने कराची में कहीं भी ऐसा टेस्ट नहीं देखा। तो ये यूनिक टेस्ट सिर्फ आपको सोल्जर बाज़ार और गोसिया होटल में मिलेगा, ये 1937 का होटल है और इसका अपना टेस्ट है और यहीं से फिर ये बता रहे हैं कि ये जो सौगात है ये सोल्जर बाज़ार की सौगात मशहूर हो गई, फिर यहीं से पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी कबाब रोल का कॉन्सेप्ट दिया है। तो मैं इसको 10 में से 10 ही दूंगा क्योंकि इसके टेस्ट की वजह से बिल्कुल यूनिक टेस्ट है, ऐसा टेस्ट आपको किसी होटल में नहीं मिलेगा। बहरहाल आज का ये रिव्यू आपके सामने हमने शेयर किया, कराची का इलाका है सोल्जर बाज़ार नंबर एक सोल्जर बाज़ार नंबर एक ओसिया होटल, और यहाँ की जो पूरी स्ट्रीट है यहाँ आपको यही आइटम्स मिलेंगे कीमा और कबाब रोल पराठा। आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं, यहाँ आइए फैमिलीज़ के साथ आइए एंजॉय कीजिए, और प्राइस के लिहाज से भी बताया कि बहुत चीप और रिजनेबल प्राइस है। फिलहाल हम मज़े कर रहे हैं, आपसे इजाज़त देते हैं अल्लाह ने के बाद।